तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप Redmi Note 8 के यूज़र हैं तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको Redmi Note 8 के Android 11 के ग्लोबल स्टेबल अपडेट की फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि हमें Redmi Note 8 में आज हमें एक और ग्लोबल स्टेबल में Android 11 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हमें वो सेम अपडेट इंडिया में कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमें फाइनली Redmi Note 8 में ग्लोबल स्टेबल में MIUI का 12.0.2.0 का Android 11 पे बेस्ड ग्लोबल स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बात पता है कि हमें सबसे पहले Redmi Note 8 ग्लोबल स्टेबल में MIUI का 12.0.1.0 के साथ ग्लोबल स्टेबल अपडेट में Android 11 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात थी। और फ्रेंड्स, इस अपडेट का शायद हमें 2.3 GB का देखने के लिए मिल गया था, और इस अपडेट में हमें ऑफिशियली जुलाई 2021 का सिक्योरिटी पैच भी देखने के लिए मिल गया था। और फ्रेंड्स, इस अपडेट को फिर परमानेंटली सस्पेंडेड भी कर दिया गया था। और फ्रेंड्स, इस अपडेट के सस्पेंडेड करने के बाद हमें एक और अपडेट देखने के लिए मिल गया था MIUI का 12.0.6.0 का Android 10 पे बेस्ड QCOMIXM, और इस अपडेट का साइज 640 MB का देखने के लिए मिल गया था। तो फ्रेंड्स, और उसके बाद अब हमें आज एक और Android 11 पे ग्लोबल स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल गया है MIUI का 12.0.2.0 का, और इस अपडेट का शायद हमें 190 MB का देखने के लिए मिल जाता है। और फ्रेंड्स, इस अपडेट में हमें ऑफिशियली जुलाई 2021 का सिक्योरिटी पैच भी देखने के लिए मिल जाता है। और फ्रेंड्स, इस अपडेट के डाउनलोड लिंक्स भी मेरे ऑफिशियली टेलीग्राम के चैनल पर अवेलेबल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि ये अपडेट हमें इंडिया में कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, हमें इंडिया में Redmi Note 8 को इंडिया में MIUI के 12 के साथ Android 11 कभी भी देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। तो फ्रेंड्स, हमें Redmi Note 8 इंडिया में MIUI के 12.5 के साथ ही Android 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स, इस बात का एक प्रूफ और है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि Redmi Note 8 को Android 11 MIUI 12.5 इंडिया स्टेबल अपडेट हमें सितंबर के महीने में 100% देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है। आई नो इट्स टू लेट, बट गुड न्यूज़ फॉर Redmi Note 8 एंड Redmi Note 8 Pro इंडिया यूज़र्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro के इंडिया के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है। Redmi Note 8 and Redmi Note 8 Pro will receive Android 11 and MIUI 12.5 update in September 2021, confirmed in Redmi Power Fan Meet। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि Redmi Note 8 को Android 11 और MIUI 12.5 का इंडिया स्टेबल अपडेट हमें एक साथ देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी हमें सितंबर के महीने में 100% देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब इसका मतलब यही है कि अब हमें Redmi Note 8 इंडिया में Android 11 MIUI के 12 के साथ नहीं, बल्कि हमें MIUI के 12.5 के साथ ही 100% देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात होने वाली है Redmi Note 8 यूज़र्स के लिए। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की फुल इन्फॉर्मेशन की आज हमें Redmi Note 8 में ग्लोबल स्टेबल में ये अपडेट फिर से रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है Android 11 का MIUI का 12.0.2.0 का, और अब हमें इंडिया में MIUI 12.5 और Android 11 हमें सितंबर तक तो 100% देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की गुड न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे YT चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।